अस्सलामुअलैकुम एवरीवंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब जो है मैं बेबी सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो है मैं डिफरेंस लेकर आई हूँ बिटवीन लैक्टोजन वन एंड BF1। लैक्टोजन वन नेस्ले का है, BF1 जो है वो मोरिनागा का है, ठीक है जी। तो ये दो मिल्क हो गए। अब ये जो है BF1 एक्सपेंसिव है, लैक्टोजन जो है वो उससे जो है हाफ प्राइस का है। तो ये जो BF1 यानी जो ये फार्मूला मिल्क है, ये जो है ये सब्स्टिट्यूट है ब्रेस्ट मिल्क का। यानी अगर आप मदर फीड आप नहीं दे पा रहे या कोई भी मेडिकल इशू है या फीड नहीं आ रहा, तो आप जो है उसके मुतबादल जो है ये BF1 इलेक्ट्रोजन बन जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी मिल्क आते हैं, लेकिन जो मैं दो बेस्ट आपके सामने लेकर आई हूँ इलेक्ट्रोजन बन है, BF1 है। अब क्या क्या है इसके अंदर जो ज़रूरी इतलात वगैरह, इस तरह की बातें लिखी होती हैं कि जाहिर सी तो गज़ाई अतबार से तो मदर फीड ही बेस्ट है, लेकिन अगर कोई वजह है कुछ भी है तो आप फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस तरह अक्सर जाहिर सी बात है पेमाइश में या बनाने में थोड़ी सी आगे पीछे अगर हो जाए तो अक्सर बच्चों को जो है पेट ख़राब हो जाता है। मतलब अल्लाह ना करे तो ख़तरनाक मसला नहीं होता, लेकिन पेट ख़राब हो सकता है या ये वॉमिट वगैरह बच्चा कर सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बस ये कि आपको सफाई का ध्यान रखना है कि आपने जिस तरीके से इसको बनाना है बड़े साफ़ तरीके से, आपका फीडर जो आपने बॉयल किया हो, आपने जो है वो बॉयल वाटर लिया हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो है आपने अच्छा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो फीडर है उसमें 30 ml के अंदर 1 scoop डालना है। इंक्रीज़ करेंगे 60 ml होगा तो 2 scoop जाएंगे, यानी जो चम्मच जिसके अंदर आपका चम्मच दिया होता है वो 2 जाएंगे। इस हिसाब से 90 ml लेंगे तो आप इसमें 3 scoop डालेंगे। तो ये बस ध्यान रखना है कि 30 ml में कितना स्कूप होना चाहिए। अच्छा, इसके प्राइस जो है ये पहले जो है वो 1600 कुछ थे, देन इसके प्राइस जो है वो 2200 होगा। इसके प्राइस ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होता जा रहा है, क्योंकि जो है ना बहुत बेस्ट है इस लिहाज से कि ये इंस्टेंट डिसॉल्व हो जाता है। ये आपने बॉटल में डाला, फीडर में डाला, ये शेक किया, आराम से डिसॉल्व हो। बच्चे जो है अक्सर उसको जो है ये वाला BF1 जो है पसंद भी आता है, सूट भी करते हैं अक्सर बच्चों को, ठीक है जी। तो मैंने जो है ये वाला ट्राई किया तो बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने जो है सिर्फ वैसे ट्राई के लिए देखा कि इसके अलावा भी मेरा बेबी जो है वो इलेक्ट्रोजन वन लेता है या नहीं लेता, या उसका और इसका डिफरेंस क्या है, क्योंकि इन दोनों के प्राइस में बिल्कुल हाफ डिफरेंस है। अच्छा जी, 40 ग्राम का ये हो गया है, ठीक है, 40 ग्राम का 400 ग्राम का, और ये जो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है ये 200 ग्राम का है, ठीक है। अगर ये 400 ग्राम का भी होता तो बिल्कुल ही हाफ प्राइस है इसकी, इलेक्ट्रोजन की कम है और उससे डबल जो है BF की है। अब ये नेस्ले का इलेक्ट्रोजन वन, ठीक है, ये भी सब्सटीट्यूट है ब्रेस्ट मिल्क का इस, और ये भी जितने भी जो दोनों मिल्क हैं ये 0 से 6 months के, यानी बच्चे जब पैदा हो तब से 6 महीने तक जो है आप बच्चों को ये वन वाला देंगे। इसके बाद फिर 2 आता है और इस तरीके से बढ़ता है। फिलहाल मैंने सिर्फ 1 यूज़ किया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे को दूसरा यूज़ करने की। अब क्या है कि इलेक्ट्रोजन वन जो है ये डिसॉल्व एकदम से नहीं होता, या आपने थोड़ा सा शेक किया तो अक्सर क्या होगा कि नीचे थोड़ा सा रह जाएगा और BF आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। इसमें गज़ाई अज़ा क्या है वो सारे लिखे हुए हैं इसके अंदर। इसको बनाने का तरीका भी बिल्कुल सेम है कि 30 ml में 1 scoop जाएगा, जो चम्मच इसके अंदर दिया होता नाप पर वो चम्मच, ठीक है जी। कि बच्चे का वेट कितना होगा, क्या चीज़ सब इसके अंदर लिखा है, लेकिन जो एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रही हूँ, ये कोई भी आपको बताएगा, डॉक्टर बताएगा कि 30 ml में 1 scoop, 60 ml में 2 scoop, 90 ml में 3 scoop, 120 ml में फिर आप जो है 4 scoop डाल देंगे, ठीक है। गज़ाई चार्ट, खुराक का चार्ट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वगैरह लिखी होती हैं। आप जो अपनी तसल्ली के लिए हर चीज़ जो है आराम से पढ़ सकते। जाहिर सी बात है बच्चे का मामला होता है, डर लगता है, बस क्या है बच्चे का पेट बिल्कुल ऐसा ख़राब नहीं होगा। बस आपने ध्यान रखना है कि आपका प्रिपरेशन का तरीका सही हो। आपने पानी जो है वो नीम गर्म बॉयल वाटर, हल्का सा ल्यूक वाटर से कहता है नीम गर्म, हल्का सा, बहुत गर्म भी नहीं बहुत ठंडा भी नहीं, हल्का सा नीम गर्म पानी, आपका फीडर अच्छे से बॉयल हो, स्टेरलाइज जिसे कहते हैं, आपने जो है 2 मिनट बस गर्म पानी में उबालें, या सिंपल उबलते हुए गर्म पानी में आप डिप करके निकाल लें, बस इतना भी काफ़ी है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हो गई। इलेक्ट्रोजन वन जो है इसके अंदर जो है वो पैकेट होता है, नहीं थैली होती है, आपने उसको कट करके एयर टाइट में डालना होता है, ठीक है। लेकिन BF1 खुद जो है एयर टाइट जा रहा है, तो इसमें हमें कोई भी ऐसे किसी और कंटेनर में डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोजन वन को कट करके किसी एयर टाइट में डालना होता है। तो ये इसके अंदर है कि इसमें साशाशे आपको एयर टाइट में डालना होगा, BF1 जो है वो ऑलरेडी एयर टाइट जा रहा है। और एक चीज़ की अगर आपको आपने देखा कि जैसे एक पाउडर मिल्क आपके बच्चे को सूट कर गया है तो आपको दूसरा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने वैसे ट्रायल के लिए लिया था कि अगर आपने देखा कि BF सूट कर गया तो इलेक्ट्रोजन वन ही ले, और आपको लगा कि इलेक्ट्रोजन वन मेरे बच्चे को सूट कर चुका है तो BF लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है जी। लेकिन फिर ये है कि अगर आप जाहिर सी बात है हर कोई अपने फाइनेंशियल लिहाज से देखता है, तो अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रोजन वन आपको मतलब पॉकेट फ्रेंडली लग रहा है तो आप नेस्ले इलेक्ट्रोजन वन लें, बच्चे को उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को आदत हो जाएगी तो फिर उसको दूसरे पाउडर मिल्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यूँ आप कर सकते हैं, या अगर आप अच्छा अपने बेबी को और अच्छा देना चाहते हैं जाहिर सी बात है फिर आप BF1 ले सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बेबी सीरीज स्टार्ट हो गई है, हर तरह की बेबी से रिलेटेड वीडियो मैं चैनल पर शेयर करने वाली हूँ। अल्लाह हाफिज़।